गरुड़ पुराण में बब्रुवाहन और राजा के बीच में जब बातचीत होती है तो बब्रुवाहन प्रेत कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पुण्य के कार्य किए, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर दान दिए, बहुत अतिथियों की सेवा की, हर एक पुण्य का कार्य मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई, फिर भी मुझे इतनी गलत योनि प्राप्त हुई। तो जब राजा पूछते हैं कि इसका क्या कारण हुआ कि तुमने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए फिर भी तुम्हें सदगति नहीं प्राप्त हुई, तब बब्रुवाहन प्रेत कहता है कि मेरे कोई भी संतान नहीं थी, मेरी मृत्यु के बाद किसी ने भी मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया यानी कि मृत्यु के बाद जो पिंडदान होते हैं, जो संस्कार होते हैं, मेरा वो सब करने वाला कोई नहीं था, इसलिए कर्म ना होने के कारण मेरी सदगति नहीं हुई और आज मुझे ये प्रेत योनि का दुख भोगना पड़ रहा है। तो इसी तरह से मरने के उपरांत जिस व्यक्ति की ऊर्ध्वदेही क्रिया नहीं होती, जिसके निमित्त पिंडदान नहीं दिए जाते, श्राद्ध नहीं किया जाता, उसका प्रेत बनना निश्चित होता है। प्रेत दोष से बचने के लिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके निमित्त उसकी सारी ऊर्ध्वदेही क्रिया पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए, उसके पिंडदान करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और जो जो भी दान है वो जरूर करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जिनकी मरने के बाद सारी क्रियाएं होती हैं, सभी संस्कार होते हैं, उनको कभी भी प्रेत योनि नहीं भोगनी पड़ती। तो आज का जो विषय है वो यही है कि अगर आपके घर में भी प्रेत दोष बन रहा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है और अगर आपके घर में प्रेत दोष बन रहा है तो उससे बचने के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एक एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन विषय लेकर के आते रहें। आज का जो विषय है ये विषय भी काफी दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड हो रही थी कि शास्त्री जी, अगर परिवार में पितरों का हम बहुत पूजा पाठ हमने कर लिया, हमने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए बहुत दान कर दिया, लेकिन फिर भी ना तो हमारा वो दिया हुआ दान ही लग रहा है और ना ही हमारे घर में से पितृ दोष का निवारण हो रहा है, तो इसका क्या कारण होता है और इसका क्या निवारण है वो हमें बताएं। मुझे पूर्ण उम्मीद है सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा और जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये जानकारी आपको संतुष्ट करने वाली होगी। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ज्योतिष मिराकल चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यारगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके परिवार में भी परेशानियां संकट चल रहे हैं, कई बार परिवार में बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, एक सदस्य ठीक हुआ दूसरा सदस्य बीमार हो गया, या कई बार परिवार में
ट्रेजेडीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आकस्मिक मृत्यु बढ़ जाती है। कोई जवान, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कोई बीमारी नहीं, एकाएक उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से परिवार में जब ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज, हादसे होने लगे, या परिवार में जो आमदनी के साधन हैं वो साधन एकदम से घटने लग जाएं, सपने में आपको पितरों के दर्शन होने लगे, या बिना वस्त्रों के निर्वस्त्र आपको सपने में किसी के दिखाई दे कोई, तो इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देने स्टार्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि परिवार में कोई बहुत ही बड़ा भयंकर पितृ दोष बन रहा है। लेकिन इसको पितृ दोष तक ही कहना सही नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि आपके परिवार में बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, परिवार में कुछ भी सही नहीं हो रहा, आपका कोई काम नहीं बन रहा, हर एक काम में रुकावट आ रही है, आपका सारा पैसा बीमारी में लग रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अगर इस तरह की समस्याएं बार बार आपके परिवार में चल रही है, तो समझ जाइए क्योंकि यह केवल पितृ दोष का जो लक्षण नहीं है, बहुत मजबूत चांसेस हैं कि आपके घर में प्रेत दोष का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, अब बात करेंगे कि प्रेत दोष का निर्माण घर में किन कारणों से होता है, क्या है वह बातें जिनके कारण घर में प्रेत दोष बनता है। सारी जानकारी बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आपके परिवार में प्रेत दोष का निर्माण हो रहा है, तो इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण है कि परिवार में दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। घर में रहने वाले सदस्यों को चोट फेट का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाइक से आप जा रहे हैं, हो सकता है दुर्घटना से आपकी मुलाकात हो जाए। इस तरह की घटनाएं अगर बार बार घर में हो रही हैं, तो इसका मतलब है आपके घर में प्रेत दोष बन रहा है। घर में रहते हुए एक हर टाइम कुछ डर सा लगना, या घर में रहते हुए घर में दिल ना लगना, घर में मन ना लगना भी संकेत करता है कहीं ना कहीं आपके परिवार में प्रेत दोष हो सकता है। इसके अलावा आपकी अच्छी खासी चलती हुई नौकरी में एकदम से अड़चने आना, बहुत सारी प्रॉब्लम आना, और हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी नौकरी जो आप कई साल से कर रहे थे, एकदम से वह नौकरी आपसे चली जाए। आपके घर में एकदम से बहुत ज्यादा पैसों का अभाव होने लगे, या यूं कह लीजिए पैसों की बहुत ज्यादा कमी पड़ने लग जाए, प्रेत दोष की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा अगर परिवार में बिना बात के ही दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में रहने वाले लगातार गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत संगति में रह रहे हैं, गलत चीजें खा पी रहे हैं, तो ये भी इशारा करता है कि कोई ना कोई भयंकर प्रेत दोष का निर्माण आपके घर में हो रहा है। अब बात करते हैं कि घर में प्रेत दोष बनता कैसे है। अगर कोई भी ऐसा बुजुर्ग था जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, चाहे वो सड़क दुर्घटना में हुई थी, चाहे वो जल में डूबने से हुई थी, चाहे वो सर्प के काटने से हुई थी, या सुसाइड किया हो, किसी भी तरह से अगर ऐसी कोई मृत्यु परिवार में हुई थी जो नेचुरल डेथ नहीं थी, जो अकाल मृत्यु हुई हो, जो सुसाइड हो, इस तरह को कहा जाता है अपमृत्यु। अगर उस व्यक्ति के निमित्त जो मरा था, उसके निमित्त अगर उस टाइम ना तो अपने नारायण बलि करवाई, ना उसके लिए पेहवा हरिद्वार में जाकर के श्राद्ध पिंडदान आदि किया, तो इसका मतलब है कि आपका जो वो परिवार का सदस्य था जिसकी मृत्यु हुई थी, वो प्रेत योनि में जा चुका है और अब प्रेत बनकर के आपको बहुत सारी पीड़ाएं दे रहा है।
किसी भी तरह से वो आपको पीड़ाएं दे सकता है, घर की महिलाओं को वो परेशान कर सकता है, घर के बच्चों को वो परेशान कर सकता है, घर के बुजुर्गों को तमाम तरह की परेशानियां दे सकता है। जिस व्यक्ति की मरने के बाद ना तो कोई ऊर्ध्वदेह क्रिया हुई, ना पिंडदान हुए, ना कोई श्राद्ध हुआ, ना ब्राह्मण भोज हुआ, तो इसका अर्थ है कि मरने वाला प्राणी पितरों की जगह प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका है। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब प्रेत दोष बनता है तो ये कई सारी भयंकर परेशानियां, तमाम अलग अलग तरह की दिक्कतें परिवार में लेकर के आता है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रेत दोष से बचने के लिए क्या कार्य करना सबसे उचित रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो भी ये प्रेत दोष बन रहा है इससे जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा मिले, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, जी हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध करना हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा अच्छा कहा गया है। बड़े से बड़ा प्रेत दोष आपके घर में कितना भी बन रहा हो, उस सभी को समाप्त करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध से उत्तम कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। त्रिपिंडी श्राद्ध को कृष्ण पक्ष में जिस समय अंधेर लगा हुआ हो उस समय आप करवा सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध हरियाणा में पेहवा सरस्वती तीर्थ पर, हरिद्वार में भी आप करवा सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध को करवाते समय जितना ज्यादा आप मन से, जितना ज्यादा भाव से इस क्रिया को करेंगे, उतना ही जल्द आपको करने का फल मिलेगा। त्रिपिंडी श्राद्ध में मुख्य रूप से किस तरह के पूजा का विधान है? अगर आपके घर में कोई राजसिक, तामसिक, सात्विक, किसी भी तरह का कोई भी प्रेत दोष बन रहा है, उन तमाम तीनों तरह के प्रेत दोष को समाप्त करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाना चाहिए। साथियों, यकीन मानिए कि आप आज जितने भी परेशान हैं प्रेत दोष की वजह से, आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेंगे, और जो भी वो प्रेत है जो आपको परेशान कर रखा है, जिसने आपको तंग कर रखा है, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने के बाद आपके परिवार में कभी भी प्रेत दोष नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है, इसमें विष्णु जी की पूजा भी की जाती है, इसमें शंकर जी की पूजा भी की जाती है, और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि हे महाराज, हमारे घर में जो भी ये प्रेत दोष बन रहा है उसकी निवृत्ति के लिए आज ये त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्य मैं बड़े भक्ति भाव से करता हूँ, आप इस कार्य से प्रसन्न होकर के अपना शुभ आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, और मेरे परिवार में से ये प्रेत दोष हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, ऐसी आपने वंदना करनी है। और त्रिपिंडी श्राद्ध को करने के कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लग जाएगा कि जो भी प्रेत दोष आपके घर में था वह प्रेत दोष अब आपके घर से निकल चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर जरूर करेंगे, मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता की।